ओ एच ग्रुप लगा रहे थे लेकिन इसके अंदर हम क्या लगा रहे हैं एल्कॉक्सिक ग्रुप लगा रहे हैं या फिर एरेलॉक्सिक ग्रुप लगा रहे हैं देखिए एल्काक्सिक ग्रुप लगाने पर हाइड्रोजन रिप्लेस करके अपन ने क्या लगा दिया एलकॉक्सिक ग्रुप या फिर एरेलॉक्सी ग्रुप या एरेलॉक्सिक ग्रुप लगाएंगे मान लो ये सी एच फोर है इससे हाइड्रोजन रिप्लेस किया और इसकी जगह हमने क्या लगाया एरेलॉक्सी ग्रुप तो ये क्या हुआ ये सी सिक्स एच फाइव ये एरेलॉक्सी ग्रुप है तो अपना क्या बनते हैं फॉर्म होते हैं, देखिए, यही बन रहा है अब जनरल यही किसका है अपना एल्कोहल का लेकिन एल्कोहल में एन की वैल्यू वन से स्टार्ट होती है लेकिन ईथर्स के अंदर एल्कोहल की वैल्यू सॉरी ईथर्स के अंदर एन की वैल्यू टू से स्टार्ट होती है जैसे एल्कोहल एस ओ एच ये भी मैथेनॉल एल्कोहल हो सकता है लेकिन ईथर्स के अंदर क्या होगा सी एस थ्री ओ सी एस फर्स्ट कंपाउंड है वो क्या होगा सी एस है ओ सी एस जो ठीक है मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या है सी एन टू एन प्लस टू ओ और यही जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला किसका है सी एन एस सी टू ओ एच इसका जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला है ठीक है एथेनॉल का है ना ठीक है

एच टू एन प्लस टू ओ यही किसका होता है एल्कोहल का ठीक है यही जनरल फॉर्मूला किसका है ईथर्स का ठीक है Next है नेक्स्ट आप लोगों के okay? ईथर्स टू टाइप्स के होते हैं एक तो सिमिट्रिकल और दूसरा है अनसिमेट्रिकल सिमिट्रिकल मतलब इसके बीच में से सिमिट्री पास हो रही है मतलब प्लेन जा रहा है तो सिमिट्रिकल अब जैसे दोनों तरफ सेम मॉलिक्यूल ठीक है तो ये है सिंपल इथर्स भी बोलते हैं इनको नेक्स्ट हम देखते हैं क्लेचर, क्लेचर के अंदर हम देखते हैं पहले कॉमन नेम फिर आई यू पी एस नेम कॉमन नेम के अंदर देखिए डाई मिथाइल ईथर ठीक है एथर, ये कौन सा है सी एस थ्री मिथाइल रेडिकल है और देखिए यहां पर भी मिथाइल रेडिकल है तो डाई मिथाइल और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ईथर है तो ये किस पद्धति के अनुसार हो रहा है किस सिस्टम के आधार पर हो रहा है नेम अपनी डेरिवेटिव सिस्टम के आधार पर तो डाई मिथाइल ईथर आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका देखिए इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है मेथॉक्सी है तो मेथॉक्सी मिथेन ठीक है ऐसे ही कंपाउंड ये वाला कंपाउंड C2 H5 O C2H5 बताइए इसका क्या नाम होगा कॉमन नेम के अंदर क्या है ये अब तक तो पता चल गया होगा ना ये आप लोग बताओगे मैं नहीं बताऊंगी ये क्या है कौन सा रेडिकल है इथाइल है तो ये ही है. है? नेम क्या ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इथॉक्सी तो इथोक्सी इथिन ठीक है नेक्स्ट है आप लोगों का ये वाला मॉलिक्यूल बताइए कौन सा होगा इसके अंदर जो फर्स्ट यूज करेंगे ठीक है दूसरा रेडिकल फिनाइल बेंजीन का अगर हम रेडिकल बनाते हैं तो कौन सा बनता है तो इथर, इसको इसको क्या 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 बोलते हैं और फीने, टॉल, इसको क्या बोलेंगे फीने, टॉल, नेम क्या होगा इसका ये क्या है पूरा सब्सिट्यूंट तो कौन सा है और ये क्या है बेंजीन, तो बेंजीन. नेक्स्ट है तो आप लोगों के स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर देखिए ये वाला जो कार्बन है आप लोग बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस कार्बन का 1 2 3 4 क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन और इस वाले कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है sp3 ठीक है और इस ऑक्सीजन का क्या आएगा इस पे दो लोन पेयर हैं और दो बॉन्ड पेयर हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ क्या कर रहा है ओवरलैपिंग कर रहा है ठीक है इसका sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑक्सीजन के sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा सिग्मा ओवरलैपिंग करेगा और क्या बना लेगा ये वाला बॉन्ड फॉर्म कर लिया ठीक है ऐसे ही ये वाला बॉन्ड फॉर्म कर लेता है ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला कार्बन अब देख लिए देखिए जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो अपना बॉन्ड एंगल क्या आता है 109 डिग्री 23 मिनट ठीक है लेकिन इसका बॉन्ड एंगल 109 ना आकर कितना आ रहा है 111.7 मतलब कुछ ज्यादा आ रहा है कुछ ज्यादा क्यों आ रहा है क्योंकि इस पर जो लगे हुए हैं ये क्या है बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं अच्छा क्लीन नहीं हो रहा देखिए क्लियर देखिए देखिए इसके अंदर ये बल्कि ग्रुप लगा हुआ है और ये बल्कि ग्रुप लगा, लगा हुआ है तो ये क्या करेंगे ऊपर की तरफ धक्का लगाएंगे तो इसका बॉन्ड एंगल को इंक्रीज कर देंगे ये भी लगा रहा है लोन पेयर अंदर की तरफ धक्का लगा रहा है लेकिन इसके कंपैरिजन में इसका धक्का ज्यादा पावरफुल है तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा तो देखिए इसमें यही लिखा हुआ है इसके होते है, के नदर, pair, है और इस तरीके से टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट होता है द बॉन्ड एंगल इज स्लाइडली ग्रेटर बॉन्ड एंगल कैसा होता है टेट्राहेड्रल एंगल टू द रिपल्शन इंटरेक्शन बिटवीन द टू बल्की ग्रुप ये दोनों बल्की ग्रुप हैं

फोर फोर थ्री टेम्परेचर पर एच टू एस ओ फोर के साथ रिएक्शन कराया जाए एल्कोहल की तो इसके अंदर डिहाइड्रेशन ही होगा लेकिन क्या बनेगी हमारी Alkene. क्या बनेगी Alkene बनेगी लेकिन जब इसका कम टेम्परेचर कर दिया जाए और एच टू एस ओ फोर के साथ रिएक्शन कराई जाती है तब अपना क्या बनता है देखिए इसके दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं जैसे इसका एक और मॉलिक्यूल सी एच OH. थ्री सी एच टू ओ एच ठीक है यहां से क्या निकाल दिया वाटर मॉलिक्यूल निकाला और अपना क्या बन गया ईथर फॉर्म कर लेते हैं तो देखिए लो टेम्परेचर पर तो क्या बन रहा है ईथर बन रहा है लेकिन हाई टेम्परेचर पर क्या बन रहा है एल्किन फॉर्म करता है ये अल्कोहल ठीक है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है याद रखती है नेक्स्ट है इसकी मैकेनिज्म मैकेनिज्म देखते हैं किस तरीके से होता है एसिड की प्रेजेंस में हो रही है तो एसिड का H प्लस इस पर अटैक करेगा क्यों करेगा क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन न्यून है मतलब इस, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इस पर अटैक किया, ठीक है, तो यहाँ जनरेट कर दिया जाएगा पॉजिटिव चार्ज अब ये पॉजिटिव चार्जीज पर ये अटैक करेगा ठीक है इसने यहाँ अटैक किया तो क्या बनाया यहाँ पर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पर क्या आ तो तो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ठीक है अब इस पॉजिटिव चार्ज

सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है और क्या बनता है हमारा ईथर फॉर्म हो जाता है अब इसके अंदर देखिए देखिए इसके अंदर ये सोडियम एल्कोक्साइड है लेकिन ये टर्शरी है ठीक है अब इसके अंदर ये वन डिग्री एल्किल हेलाइड लिया है वन डिग्री एल्किल हेलाइड लिया है और हमारा ये वाला ईथर फॉर्म हो गया इसके अंदर हम टू डिग्री और थ्री डिग्री एल्किल हेलाइड यूज में नहीं ले सकते क्यों

सी एस थ्री बी आर के साथ कराई तब क्या हुआ ठीक है तब क्या हुआ एन ए बी अलग हो गया और यहां पर मिथॉक्सी बेंजीन बन गया अब इस मिथॉक्सी बेंजीन का कॉमन नेम क्या है एनिसोल क्या बोलते हैं लर्न रखना है आप लोगों को इसका नाम क्या है एनिसोल ठीक है इंपॉर्टेंट है अब इसके अंदर जो रिएक्शन हो रही है विलियमसन सिंथेसिस इसके अंदर देखिए इन दिस रिएक्शन एल्कोक्साइड आयन में भी

होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज द सीओ बॉन्ड इन ईथर्स आर पोलर देखिए ये सीओ बॉन्ड कैसा होगा होगा पोलर क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है डिफरेंस है तो ईथर्स है नेट डाइपोल मूवमेंट इनके पास क्या होगा नेट डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ तो होगा अब देखिए इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट होगा तो क्या होगा आपस में मॉलिक्यूल क्या करेंगे बॉन्डिंग शो करेंगे तो देखिए एन पेंटेन और इथॉक्सी इथिन ठीक है इसके अंदर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसके अंदर मिल नहीं रही है क्योंकि लेकिन इसके अंदर क्या मिल रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्यूटेन वन ऑल ये हम पहले पढ़ चुके हैं एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिली थी इसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो कैसा है हाई थ्री नाइन्टी डिग्री है लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है एन पेंटेन से भी कम आता है

यहां पर ये फिन बना वो इस एच एक्स के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा देगा भी बना देगा और वाटर भी बना देगा। तो देखिए इस तरीके के तीन मॉलिक्यूल मिले एक तो आर एक्स मिला एक आर ओ एच मिला और दूसरा एच टू मिला तीसरा एच टू मिला ठीक है अब इसके अंदर देखिए वही ये क्या है एनीसॉल ये क्या है एनिसोल अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं

तो किस पर अटैक करते हैं एच है पर अटैक करते हैं और क्या बनाते थे यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दिया अब जो ये इलेक्ट्रोफाइल है जो ये इलेक्ट्रोफाइल है इस पर ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा तो यहां क्या बन गया OH हो गया अब इस पर ये बैक साइड से आयोडाइड माइनस यहां पर यहां पर बैक साइड से क्या कर रहा है आयोडाइड माइनस अटैक कर रहा है इस तरीके से देखिए यहां पर आयोडाइड ने यहां अटैक किया और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और यहां पर ये यह लेके जाने वाला है ठीक है देन ये क्या है अपनी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है ठीक है अब देखिए मैं आप लोगों को एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ देखिए सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं हमारी वो कितने टाइप की होती है सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफ्लिकुशन रिएक्शन टू टाइप की होती है एक तो एस एन वन रिएक्शन और एक होती है एस एन टू रिएक्शन तो एस एन टू रिएक्शन जो होती है उसके अंदर हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है ठीक है और वन स्टेप प्रोसेस होती है ठीक है होती है है ठीक अब इसके अंदर इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता इसके अंदर क्या बनती है Transition state होती, बनती है और जो न्यूक्लियर होता है ना वो पीछे से अटैक करता है ये क्या है न्यूक्लियो है ठीक है ये पीछे से अटैक करेगा तो इसने पीछे से अटैक किया ठीक है देन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे तो देखिए ये क्या बन गया हमारा एल्कोहल बन गया और ये सी तो जो ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू हो रहा है सब्सटीट्यूशन एस एंड टू के थ्रू हो रहा है ठीक है नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं जब एच आई हमने क्या लिया एक्सिस में लिया ये वाला हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो हमारा क्या है एक्सिस के अंदर है देखिए और और है बहुत सारा देखिए यहाँ पर हमारा क्या बन गया था एल्कोहल बन गया था ठीक है

ठीक है अब जब हमारा ये टर्शरी ग्रुप लगा हुआ होता है ईथर पर तब इसमें क्या होता है तब कौन सी प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है जो एस एन वन मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन बताई थी वो टू टाइप की बताई थी एस एन वन और एस एन टू ठीक है इसमें किस प्रोसेस के थ्रू हो, हो रहा होता है एस एन वन प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है वैन वन ऑफ द एल्किल ग्रुप इज टर्शरी जब इन दोनों में से एक ग्रुप कैसा हो टर्शरी हो तब क्या होगा तब हमारी एस एन वन प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा होगा न्यूक्लियोफ्लिकुशन रिएक्शन हो रही होगी तो देखिए किस तरीके से होती है देखिए पहले ये अपना देखिए एक बार मैं इसको ऊपर कर देती हूं ठीक है अब देखिए अपना ये मॉलिक्यूल था ग्रुप जुड़ा हुआ है इससे ठीक है अब इसके अंदर और अपनी अटैक किसका हो रहा है एच आई के साथ रिएक्शन हो रही है ठीक है तो पहले जो एच प्लस आयन है वो यहाँ पर अटैक किया? किया और क्या बना दिया ओ एच पॉजिटिव बना दिया एच प्लस आएगा यहाँ कर जुड़ेगा तो ओ एच पॉजिटिव बन जाएगा अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे यहां तो यहां क्या बन गया ये इंटरमीडिएट कार्बो बन गया बनाना इंटरमीडिएट कार्बो और जो इंटरमीडिएट कार्बो है? है, तो के टाइम की स्टेबिलिटी के अंदर हमने पढ़ा है तो ये वाला इंटरमीडिएट स्टेबल बनता है और जो एस एन वन रियक्शन जो होती है वो टू स्टेप के अंदर होती है एस एन वन कितने स्टेप के अंदर होती है

तो ये वाला फॉर्म हो गया देखिए ये ही बोल रहा है इसके अंदर टर्शरी हैलाइड फॉर्म कर दिया फॉर्म टर्शरी हैलाइड, ठीक है और ये कौन सी रिएक्शन के थ्रू हो रही है कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है एस जब एक एल्कोक्सी ग्रुप के अंदर अगर एक ग्रुप कैसा हो टर्शरी हो तब हमारी रिएक्शन एस के थ्रू होती है और जब हमारा मॉलिक्यूल कैसा हो वन डिग्री या फिर टू डिग्री हो तब हमारा रिएक्शन किसके थ्रू हो रही होती है एस एन टू मैकेजम के थ्रू हो रही होती है बैक साइड से अटैक होता है और यहाँ पर ट्रांजिशन ट्रांजिशन स्टेट बन रही होती है ठीक है नेक्स्ट है आप लोगों का प्रॉपर्टीज ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जैसे हाइड्रोलाइसिस कराते हैं हाइड्रोलाइसिस कराएंगे किसकी प्रेजेंस में डायल्यूट एस टू एसओ फोर की प्रेजेंस में तो क्या होगा एक एच हाँ आएगा यहाँ पर ओ OH एच आ जाएगा तो दो इथाइल एल्कोहल के मॉलिक्यूल बन जाएंगे ऐसे ही एक्शन ऑफ

बेंजीन रिंग पर अगर हमारा एल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या कैसा होता है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं रेजोनेंस के अंदर ठीक है तो ये कैसा होता है डायरेक्टिंग होता है और एक्टिवेट्स द एरोमेटिक रिंग और इस एरोमेटिक रिंग को एक्टिवेट कर देता है किसके लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होगी जब इसकी रिंग पर ऑर्थोपैरा पोजिशन पर क्या आएंगे नेगेटिव चार्ज सभी तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो देखिए क्या होता है देखिए ये एल्कोक्सी ग्रुप है ठीक है यहां पर लोन पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन यहां, यहां शिफ्ट हुए यहां नेगेटिव चार्ज आया, फिर ये तो ऑर्थो पोजिशन, पोजिशन और ये पैरा पोजिशन तो देखिए ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हुआ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आकर अटैक करेगा यहाँ या तो यहां आएगा या फिर यहां आएगा तो ये कैसा हुआ

और पैरा पोजिशन पर भी ब्रोमिन लेकिन जो पैरा पोजिशन पर बन रही होती है वो कितनी परसेंट में बन रही क्यों देखिए 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 ये ओ आर ग्रुप है ठीक है ये इसके साथ रेजोनेंस शो कर रहा है ठीक है ऑर्थो और, और पैरा पोजिशन पर रेजोनेंस इफेक्ट इक्वल रहेगा ठीक है क्योंकि प्लस आर इफेक्ट है ठीक है अब इसके अंदर जो ऑर्थो ऑर्थोपोजिशन है जो ऑर्थो पोजिशन है उस पर माइनस आई इफेक्ट भी तो लग रहा है इसका ओ आर ग्रुप का क्या लग रहा है माइनस माइनस आई आई इफेक्ट इफेक्ट ग्रुप का क्या लगता है तो इस पर इस पर पर ज्यादा ज्यादा लगेगा लगेगा माइनस आई इफेक्ट तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कम मिलेगा और यहां पर ज्यादा मिलेगा अब ये नेगेटिव चार्ज देखिए यहां पर ज्यादा मिल रहा है तो पैरा ब्रोमो एनिसोल ज्यादा मात्रा में बनेगा तो मेजर प्रोडक्ट अपना पैरा पोजिशन वाला देन

और ये क्या है पूरा मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसको क्या बोला एसिटोफिन तो ये मेजर प्रोडक्ट बना और ये माइनर प्रोडक्ट बना समझ में आया कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा क्यों बनेगा ये भी ठीक है नाइट्रेशन नाइट्रेशन के अंदर क्या बनेगा एनो टू पॉजिटिव एनो टू पॉजिटिव इसकी और तो अटैक करेगा देखिए यहाँ पर औरतो पोजिशन है और ये इसकी पैरा पोजिशन पर अटैक करेगा तो ऑर्थो पोजिशन पर अटैक तो तो करके क्या बनेगा और नाइट्रो एनिसोल देखिए नाइट्रो एंट है इसके कंपेरिजन में ये वीक है ये वाला वीक है तो अपना ये मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में आया तो एनिसोल तो ऑर्थो नाइट्रो सॉरी टू नाइट्रो एनिसोल ये माइनर प्रोडक्ट के रूप में और ये फोर नाइट्रो एनिसोल मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलता है ठीक है नेक्स्ट है ब्रोमिनेशन ब्रोमिनेशन के अंदर देखिए ब्रोमिन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं जैसे अपन ने उसमें तो क्या करा रहे थे अपन इसके अंदर ब्रोमिन वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तब इसकी टू फोर सिक्स पोजीशन पर ट्राई ब्रोमो एनिसोल मिलता है अपने को ठीक है अब सल्फोनेशन सल्फोनेशन कराएंगे तो वही ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर सल्फोनेशन होगा इसमें जो अटैकिंग स्पीसीज होगी वो एसओ थ्री होगी जो कि न्यूट्रल स्पीसीज है ठीक है यहाँ पर ऑर्थो ऑर्थोपोजिशन पर अटैक किया और पैरा पैरापोजिशन पर अटैक करेगी तो क्या बनाएगा मिथॉक्सी बेंजीन ठीक है सल्फोनिक एसिड या फिर ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका नाम है ठीक है ये मेजर बनेगा और वो माइनर बनेगा ठीक है अब देखिए नेक्स्ट आता है आप लोगों का एक्शन ऑफ हाइड्रो आयोडिक और हाइड्रोब्रोमिक एसिड इसके अंदर क्या होता है जैसे अपना एनिसोल है ठीक है अब इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई एच आई के साथ ठीक है अब इसके अंदर आयोडाइड माइनस है आयो, एच प्लस इसके क्या बनेंगे आयंस एंस एच प्लस और आयोडाइड माइनस ठीक है तो जो आयोडाइड माइनस है वो किस पर अटैक करेगा सी एस सी पर अटैक करेगा ना कि एरिल ग्रुप पर ठीक है ये ये बता रहा है इफ़ वन ऑफ द ग्रुप अराउंड द ऑक्सीजन इज एराइल ग्रुप एराइल ग्रुप ये कौन सा एराइल ग्रुप है देन आयोडाइड माइनस विल ऑलवेज अटैक ऑन द ग्रुप अदर देन एराइल ग्रुप ठीक है जैसे इसके अंदर हमने देखा एच आई ने रिएक्शन की इसके साथ तो यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज हुआ ठीक है ऑक्सीजन पर क्या आया एच और यहाँ पर क्या आया आयोडाइड तो क्या बनाया सी एस थ्री आई ऐसे ही इस वाले के अंदर देखा यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज हुआ एच ने अटैक किया यहां पर और आयोडाइड यहाँ जुड़ा तो ब्यूटाइल आयोडाइड बन गया ठीक है देखिए बना ना तो देखिए आज आप लोगों को ईथर समझ में आया हम लोगों ने ईथर को पढ़ा ईथर की स्ट्रक्चर देखी ईथर की प्रिपरेशन देखी ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज uh, देखी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी ठीक है फिर अपन ने एनिसॉल पढ़ा ठीक है ऐसे एनिसॉल की अपन ने देखी प्रॉपर्टीज तो देखिए आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना फिनॉल एल्कोहल फिनॉल और इथर ठीक है नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ठीक है आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं थैंक यू